हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो गाइज, आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको कुछ इस तरीके की फोटो एडिटिंग करना सिखाएंगे पिक्सआर्ट ऐप का यूज करके। यानी कि कैसे आप अपने फेस को फुल एचडी क्वालिटी में स्मूथ कर सकते हो, फेस को कैसे व्हाइट कर सकते हो और बैकग्राउंड को कैसे फुल एचडी क्वालिटी में ब्लर कर सकते हो, इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा डिटेल में सिखाने वाला हूं। तो अगर आप भी जो है पिक्सआर्ट ऐप का यूज करके फोटो एडिटिंग करना सीखना चाहते हैं फुल एचडी क्वालिटी में, तो आज के वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देख लीजिएगा, अपना 100% जो पिक्सआर्ट ऐप का यूज करके फोटो को एडिटिंग करना सीख जाएंगे फुल एचडी क्वालिटी में। एंड गाइज, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा जिससे आप फोटो को एडिटिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो का लेते हैं स्टार्ट। हाँ तो गाइज, सबसे पहले तो आपको अपने नॉर्मल फोटो को सिलेक्ट कर लेना है जिस फोटो को आपको एडिट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे शेयर का ऑप्शन मिल जाएगा, शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे और इस फोटो को हम ओपन कर लेंगे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। पिक्सआर्ट एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो हम फोटो को पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ओपन कर लिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको अपने फेस को व्हाइट करना है, ठीक है। तो फेस को व्हाइट करने के लिए यहाँ पे आपको रिटच वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एंड गाइज, यहाँ पे स्क्रॉल करके यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको आ जाना है और यहाँ पे मिल जाएगा स्किन टोन का ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। स्किन टोन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके राइट कर देना है। अब यहाँ पे ऑटो का एक ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पे ऑटो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ऑटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही हमारे फेस यहाँ पे आप देख सकते हो कितना बढ़िया तरीके से यहाँ पे फेस व्हाइट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से फेस को व्हाइट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको कम भी कर सकते हो, जितना आप फेस को व्हाइट करना चाहते हो यहाँ से आप रख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कम करके यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे रख लेता हूँ 70%, इतना परफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे मैं इतना रख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से राइट कर देना है। अब यहाँ पे क्या करना है, हेयर का कलर यहाँ पे मिल जाएगा, हेयर कलर का ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे हेयर यहाँ पे कलर हो चुका है। तो यहाँ पे आपको इरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से क्या करना है, इरेज कर देना है, ठीक है। अपने हेयर से कुछ इस तरीके से कलर को यहाँ पे इरेज कर देना है और यहाँ पे क्या करना है, रेड कलर को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, मिनोली वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे कुछ इस तरीके से फोटो को जूम कर लेंगे और यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से अपने लिप पे यहाँ पे कलर कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं जैसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम कलर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप जितना कलर रखना चाहते हो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इतना रख लेता हूँ, इतना परफेक्ट लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से राइट, यहाँ से भी राइट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एंड गाइस, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, ब्लर, कलर, इफेक्ट्स, बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर पे मिल जाएगा यहाँ पे कलर स्प्लैश का ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, जहाँ पे इफेक्ट अप्लाई करना है वहाँ पे आपको नहीं सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको बॉडी के ऊपर कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो इफेक्ट जो है हमारे बॉडी पे भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको इंक्रीज कर देना थोड़ा सा यहाँ पे, और इंक्रीज करके यहाँ पे 50 के राउंड रख लेना और यहाँ पे क्या करना है, मिक्स को, यहाँ पे ह्यू को जो है मैक्स ह्यू को जो कम कर देना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। इतना आपको कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके राइट कर देना है। अब यहाँ पे फिर से इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से स्क्रॉल करना है और यहाँ पे इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फिर से इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, कलर को यहाँ पे चेंज कर लेंगे हम, और कलर को चेंज करेंगे जो यहाँ पे आप रखना चाहते हो यहाँ से आप रख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 200 कर लेता हूँ, मैं इस वाले कलर को रखना चाहता हूँ यहाँ पे, इस वाले कलर को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, ऊपर इरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड गाइस, यहाँ पे स्क्रॉल करके यहाँ पे नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा बैकग्राउंड का ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिए, आपका इफेक्ट जो है पूरे बैकग्राउंड में यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से राइट कर देना है। अब यहाँ पे क्या करना है, बैकग्राउंड को ब्लर करना है। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको फोटो को सेव करना है। सेव करने के लिए ड्रॉ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एंड गाइस, ऊपर थ्री डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे सेव इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ये फोटो हमारी गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इस फोटो को आपको फोटो रूम एप्लीकेशन में यहाँ से ओपन कर लेना है, ठीक है। फोटो रूम एप्लीकेशन भी आप प्ले स्टोर पे अवेलेबल मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, या जो है मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। एंड गाइस, यहाँ पे आप सेकंड नंबर पे देख सकते हो, फर्स्ट में ब्लर का ऑप्शन दिख रहा है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना और यहाँ पे बैकग्राउंड का ऑप्शन मिल जाएगा, बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे ब्लर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे सेकंड नंबर ब्लर को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इसको पूरा 100 कर देंगे कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके डन कर देंगे। अब यहाँ पे फिर से बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एडजस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और सेचुरेशन को यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको भी 100 कर लेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। 100 करने से हमारे बैकग्राउंड में चमक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से डन कर देंगे। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड गाइस यहाँ से कट कर लेंगे, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा सेव टू गैलरी का ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस फोटो को सेव कर लेना है, और इस फोटो को फिर से आपको पिक्सर एप्लीकेशन में ओपन कर लेना है, ठीक है। हाँ तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो मैं फोटो को पिक्सर एप्लीकेशन में ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको फोटो को HD क्वालिटी में करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है एंड सबसे लास्ट में यहाँ पे आपको मिल जाएगा AI इनहेंस का ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेना है, ठीक है, और आपको अपना इंटरनेट ऑन रखना है, ठीक है, तभी जो आपका फोटो HD क्वालिटी में हो पाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और हमारा फोटो जो HD क्वालिटी में यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा फोटो यहाँ पे फुल HD क्वालिटी में हो चुका है। यहाँ पे आप बिफोर एंड आफ्टर गाइज देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे और भी HD क्वालिटी में आप करना चाहते हो तो यहाँ से आप इंक्रीज करके 100 कर देना, और भी आपका फोटो HD क्वालिटी में हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से राइट कर देना है। अब यहाँ पे ड्रॉप वाले PNG को ऐड करना है, तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऐड फोटो का ऑप्शन, ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ड्रॉप वाले PNG को ऐड कर लेना है, ठीक है। तो गाइज इस वाले PNG को ऐड कर लेना है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ब्लेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से स्क्रीन कर देंगे, और यहाँ पे आपको क्या करना है, फुल स्क्रीन कर लेना है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से कर लेना है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है, और ऊपर इरेज का ऑप्शन मिल जाएगा। इरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आपको अपने बॉडी से कुछ इस तरीके से इरेज कर देना है, जो आपके बॉडी पे मतलब जो आपके शरीर पे आ गया होगा उसको आपको इरेज कर देना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो मैं जैसे कर रहा हूँ, तो कुछ इस तरीके से आपको क्या करना है, इरेज कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से राइट कर देना है। देन गाइज यहाँ पे फोटो आप देख सकते हो, फोटो फुल HD क्वालिटी में यहाँ पे एडिट हो चुकी है। तो इस फोटो को HD क्वालिटी में सेव करने के लिए यहाँ पे ड्रॉ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड गाइज यहाँ पे आपको सबसे ऊपर मिल जाएगा 3 डॉट का ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे सेव इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ये फोटो हमारी गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी फुल HD क्वालिटी में।